साथियों, मैं डॉक्टर कुलदीप राजपुरी, चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र त्रोली, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जैसा कि सभी लोगों को जानकारी है, कोरोना वायरस से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। ये सभी की जिम्मेदारी है, देश के हर नागरिक की, कि वो जितने भी उसके बचाव के उपचार हैं वो कर सके। चिकित्सक होने के नाते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, लेकिन हम आपके सहयोग के बिना इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी समझदारी से ही, जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, आप घर में रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, समय व्यतीत करें, बाहर ना निकलें। आज भी मैंने देखा सड़कों पर लोग घूम रहे हैं, ये बेवकूफ़ी भरे कदम ना करें। ये आपके लिए तो खतरनाक है ही, जो और दूसरे लोग हैं जहाँ भी जाएंगे वायरस उनको भी, उनके लिए भी घातक है। तो मेरे अतरौली क्षेत्र की समस्त जनता से अपील है कि इसमें हमारा पूर्ण सहयोग करें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें और देश भी बचाया जा सकता है। एकमात्र यही सिर्फ अपना बचाव ही, इसकी सही जानकारी जुटाना और घर से बाहर ना निकलना, यही एकमात्र बचाव उपाय है। सामुदायिक स्वास्थ्य अतरौली, इसमें का समस्त स्टाफ आपके स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपकी सेवा में 24 घंटे तत्पर है। मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों, मेरी बात को सुनने वालों, मुझसे राजनीतिक या धार्मिक मतभेद रखने वालों, आज का माहौल पूरी दुनिया में ऐसा है कि हर इंसान के ऊपर मौत का खतरा मंडरा रहा है। अगर एहतियात नहीं बरती गई तो पूरी दुनिया में मानव जाति बहुत बड़ा नुकसान उठाएगी। इसका सबसे बड़ा बचाव का रास्ता अपने को इस महामारी से सुरक्षित रखना है। जिस चीज की दवाई ना हो उससे बचने के लिए सतर्क रहना ही एक दवा है। मोदी जी की हुकूमत ने पूरे देश में जो एहतियात बरतने के लिए लॉकडाउन किया है वो हमारे आपके फायदे के लिए है, जिसकी वजह से भारत में महामारी जो तेजी से फैल रही थी उसमें गिरावट आई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। पूरे देश को सतर्क रहने की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है। हर इंसान को हुकूमत के द्वारा दिए गए लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। अगर आप इस लॉकडाउन को किसी पिकनिक की तरह मनाएंगे, अड़ोस पड़ोस के घरों में जाए आएंगे, तो आप खुद को नुकसान तो पहुंचाएंगे ही और दूसरों के लिए भी नुकसानदेह साबित होंगे, खुद भी मरेंगे और दूसरों को भी मारेंगे। किसी से भी कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखें, क्योंकि मान लीजिए कि अब आप खतरे के निशान पर हैं, मौत आप सबके ऊपर, हम सबके ऊपर खतरे की तरह मंडरा रही है। हुकूमत और हुकूमत के जिम्मेदार ऑफिसर आपको समझा सकते हैं, आपको सतर्क रहने के लिए कह सकते हैं, कर्फ्यू लगा सकते हैं, लेकिन उसका पालन करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका ही होगा। खास करके हम अपने मुसलमान भाइयों से अपील करते हैं कि जाहिलियत को किनारे करके होश में आए और अपने अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचें। नमाज इबादत सब अपने घर में करें। नमाज के लिए सफे बनाकर मस्जिदों में मत खड़े हो। जिंदा बचे तो दोस्ती दुश्मनी, आपसी मतभेद, राजनीति सब बाद में कर लेंगे। इस वक्त तो अल्लाह ईश्वर भगवान से सिर्फ एक प्रार्थना है कि हमें और हमारे पूरे हिंदुस्तान को एहतियात बरतने की समझ दे और हम सबको सुरक्षित रखे। आ रही है जो जरूरी लोगों के सामान, जरूरी इस्तेमाल के जो सामान है उसकी क्राइसिस को लेकर के, तो इसके लिए हम लोगों ने जो व्यवस्था की है उसमें कई सारे पॉइंट्स इसे बनाए गए हैं, जहाँ पे जो थोक विक्रेता हैं वो रिटेलिंग करेंगे। दूसरा ये है कि हमने प्रत्येक वार्ड में वार्ड मेंबर है उनकी अध्यक्षता में, सभासदों की अध्यक्षता में वार्ड कमेटियों का गठन किया है और उनके साथ 4 सदस्य हैं, उनको हम लोग पासेज इशू कर रहे हैं और वो कुछ ई रिक्शा या इस टाइप के वाहन चिन्हित करके उसके माध्यम से अपने अपने मोहल्लों में डोर टू डोर सप्लाई करेंगे। तो ये व्यवस्था की गई है, उनको पासेज भी दिए जा रहे हैं और वो संबंधित चीज़ों की आपूर्ति बनी रहे, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। सर, दामों पर भी उसमें? हाँ, दाम पे हमने सारी टीमें बना दी हैं, इसमें खाद्य सुरक्षा वाले भी हैं, हमारे मजिस्ट्रेट भी लगे हुए हैं, वो लगातार जब बाज़ार खुलने का जो समय है हमारा 6 से 10, उस बीच में घूम करके बाज़ार में रेगुलेशन भी कर रहे हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो
और दाम किसी भी चीज़ का दाम जो है वो एक सीमा से बाहर मतलब जो जो निर्धारित है उससे ज़्यादा ना ले पाए, ये सुनिश्चित किया जा रहा है।